नमस्कार, मैं क्षितिजा, एमएनएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नागपुर शहर हो रहा है धुआं धुआं। यूं तो नागपुर का पॉल्यूशन लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जिसके चलते नागपुर शहर में ऐसे अनगिनत बीमारियों से नागपुर शहर की जनता त्रस्त होती जा रही है, जिसके चलते नागपुर शहर की जनता आर्थिक और शारीरिक तौर पर कमजोर होती जा रही है। नागपुर शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली सिटी बस सेवा नागपुर शहर की जनता बीमार और बेबस कर रही है। आईटीयू विभाग की ओर से 1 अप्रैल 2017 से BS4 मापदंड की है। डीजल वाहनों को नागपुर शहर में चलने की अनुमति होने के बावजूद नागपुर शहर की लाइफलाइन बसें ताकि आरटीओ विभाग के नियमों को ताक पर रखकर चलाई जा रही है, जिसके चलते नागपुर शहर की जनता को स्वास्थ्य का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। नागपुर शहर में जितनी भी स्टार बसें हैं, वह सारी बसें BS3 की है, जिससे शहर का प्रदूषण बढ़ते जा रहा है। बहुत जल्द दिल्ली की तरह भी नागपुर शहर का प्रदूषण स्तर बढ़ता दिखता जा रहा है। मैं आज नागपुर आरटीओ के उप प्रदेशिक परिवहन अधिकारी मिस्टर अतुल आदि, तो सर मेरा आपसे सवाल है कि जो नागपुर में गाड़ियां चल रही है, उसमें डीजल गाड़ियां जो चल रही है, उसमें नागपुर आरटीओ ने कौन सा बीएस इंजन अलाउ किया है? अभी 1/4/2017 से जो भी व्हीकल्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, या फिर ये व्हीकल्स मैन्युफैक्चर होने के बाद जो रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहे हैं, ये सब BS4 है। ओके सर, इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन जो है वो BS4 इंजन है। और सर, जो पुराने, जैसे आपने कहा कि पुरानी जो गाड़ियां है जिसमें BS3 और BS2 इंजन चल रहा है, उनकी वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है, उसके 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 लिए उसके ऊपर आपका क्या कहना है? वो व्हीकल्स भी शुरू है, नॉर्म्स के अंतर्गत जो व्हीकल्स नहीं है उसका चेकिंग होता है फ्लाइंग स्क्वाड के द्वारा या पुलिस विभाग के द्वारा भी होता है, और जो व्हीकल्स पोल्यूशन कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है। हाल ही में एक सर्वे के मुताबिक नागपुर शहर की जनता वह लगभग 45% बढ़ चुकी है, ऐसा सर्वे का खुलासा हो चुका है। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखते रहिए और बने रहिए MNS न्यूज के साथ। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।